हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं समोसा। तो समोसे के लिए हम सबसे पहले आटा गूंथेंगे और मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन, तो आधा चम्मच के करीब आप अजवाइन डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ ही यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो तेल आप भरपूर, कम से कम 3 से 4 चम्मच डालिए, क्योंकि तेल डालने से और अच्छा मोयम देने से तभी हमारा समोसा एकदम खस्ता कुरकुरा के तैयार होगा। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे कि मोयम देने के बाद हमारे मैदे का टेक्सचर बदल जाएगा। मोयम देने के बाद आपको इस तरीके से मैदा उठाना है और मुट्ठी में दबाना है और देखना है, अगर इस तरीके से बंध रहा है तब आपका मोयम सही है, और अगर नहीं बंध रहा है तो आप इसमें थोड़ा तेल और डाल दीजिए। तो मेरा मोयम सही है, देखिए अच्छे से मुट्ठी बन गई है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। तो इसका आटा आपको थोड़ा कड़क गूंथना है, नरम नहीं गूंथना है। रोटी के लिए आप जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा कड़क रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंथ करके तैयार है और ये काफी कड़क है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से इसे ग्रीस करके रख देंगे। क्या है, अब हम मसाला पीसेंगे। तो मैंने लहसुन की कलियां ले ली है, अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने ले लिया है धनिया और इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। अगर आपको पुदीने का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पीसना है। तो ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया। यहाँ पे आप ले लीजिए एक पैन, गैस को ऑन करिए और यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, मीडियम गर्म हो जाए तभी हम इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। और जितनी भी कुकिंग हम कर रहे हैं सब लो फ्लेम पे ही करनी है। मसाले को कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है, सिर्फ ज्यादा देर तक नहीं भूनना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मटर। अब हम यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक मटर पक नहीं जाता। हमारे मटर पक गए हैं अच्छे से। उबला हुआ आलू हम इसमें डालेंगे, इसे मैश कर लेंगे हाथ से और डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आलू पका हुआ है और बाकी मसाले भी भून चुके हैं, तो हमें सिर्फ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनना है। मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और हमारा मसाला बन करके तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए, फिर हम समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो गई है, हमारा मसाला तैयार है, आटा तैयार है। इसके अलावा हमें कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है जो कि हमें समोसे को चिपकाने के लिए हेल्प करेगा। हम इस आटे को एक बार फिर अच्छी तरीके से मसल लेंगे। तो आटे को अच्छे से मसलने के बाद मैं इसे 2 टुकड़ों में तोड़ ले रही हूँ और एक बड़ा सा हम गोल बना लेंगे। आपको बेलते समय इसमें सूखा आटा नहीं लगाना है, ऐसे ही बेलना है। और अगर ये चिपक रहा है तो आप अपने बेलन पे थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। इसे हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। आपने मार्केट में समोसे का कवर जो बाहर रहता है वो देखा होगा, तो उस हिसाब से हम इसे बेलेंगे। न ज्यादा पतला न ज्यादा मोटा, मीडियम साइज में बेलेंगे। और आप कोशिश करिए कि इसे गोल मत बेलिए, इस तरीके से लंबा बेलना है। इसे बेल लिया है, अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे लीजिए और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, नीचे से बंद कर दीजिए और फिंगर की हेल्प से इसे इस तरीके से दबाते हुए हम चिपका लेंगे अच्छी तरीके से। और नीचे का जो कोना है
ये भी चिपकाएंगे और इसे हमने ट्रायंगल शेप दे दिया है। अब अच्छी तरीके से चिपकाएंगे। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा कोन। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मैंने 2 चम्मच मसाला इसमें भरा है। हम यहाँ पे किनारों पे लगा लेंगे पानी, अच्छी तरीके से पानी लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ रखी है और थंब से और अपनी इंडेक्स फिंगर से, मिडल फिंगर मैंने यहाँ पीछे रखी है और मेरी इंडेक्स फिंगर को मैंने यहाँ रखा है और थंब से इसे इस तरीके से हम दबाएंगे। ये देखिए, ऐसे इस तरीके से दबाने के बाद हम इसे जोड़ेंगे और अब हम इसे जोड़ते जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम इसे चिपका लेंगे ताकि ये तेल में बिल्कुल भी ना खुले। तो ये देखिए, हमारा एक समोसा बन करके तैयार है। इसी तरीके से हम सारे समोसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 4 समोसे बन करके तैयार है। अब इसे हमें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डालना है ढेर सारा तेल। इतना तेल डालना है कि आपके समोसे तेल में अच्छी तरीके से डूबे रहें। तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसे मीडियम गर्म करना है। एक एक समोसे हम इसमें डालेंगे। तो समय गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है। अब इसे हमने डालने के बाद तुरंत नहीं चलाना है, इसे पहले थोड़ा सा ब्राउन होने देना है, एक तरफ से सिकने देना है, उसके बाद टच करना है। और इसे हम बहुत ज्यादा ऐसे हिलाते हुए नहीं चलाएंगे, बहुत ही हल्के हाथों से और ध्यान से हिलाएंगे और चलाएंगे। गैस की फ्लेम को आपको या तो मीडियम रखना है या तो लो रखना है, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी फ्राई मत करिएगा। फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर आ गया है और मुझे ये काफी क्रिस्पी लग रहा है। हम धीरे धीरे निकाल लेंगे एक एक करके और एक्स्ट्रा तेल निथारते हुए आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे बन करके तैयार है। आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। हरी चटनी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है, आप चाहें तो जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।